Hey guys, welcome and welcome back to my channel. Today I'm gonna show you my this dew glam yet natural makeup look for beginners क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही minimal और budget friendly product use किया है इस look को complete करने के लिए और ये बहुत ही lightweight है जो आप किसी भी दिन पे carry कर सकते हो day या फिर night. ये बहुत ही easy peasy वाला look है. आप video को skip मत करके पूरा तक देखना तो आप जान जाओगे how I did it. So without further delay, let's get started. मैंने पहले स्किन को प्रेप कर लिया था. देन आई विल यूज़ फाउंडेशन. टुडे आई एम गोना यूज़ मेबलिन का फिट मी वाला फाउंडेशन जिसमें मेरा शेड नेम है 310 और ए मीडियम टू फुल कवरेज वाला फाउंडेशन है जो आप बाद में बिल्ड कर सकते हो. मैंने फाउंडेशन को पहले अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर लिया है एक ब्रश की मदद से. देन मैं इसको एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी डैप डैप मोशन में. मैं इसको मेरे नेक पे भी ब्लेंड करूँगी इन द सेम वे. मेरा होल फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डैजलर का लूज पाउडर बनाना शेड पे. मेरा जहाँ जहाँ पे क्रीज होता है जैसे अंडर आइज, टी जोन, नेक, इस एरिया पे मैं इसको अच्छे से बेक कर रही हूँ एक पाउडर ब्रश से. और ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एनआईवे का चीक टिंट. ये मेरा फेवरेट ब्लश है. ये बहुत ही एक नेचुरल ड्यू वाला इफेक्ट देता है और मैं ज़्यादातर इस लुक पे क्रीम वाला प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जिससे एक ड्यू इफेक्ट आए. हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन एनआईवे का लिक्विड हाइलाइटर जो मैं एज आ स्ट्रोक क्रीम भी यूज़ करती हूँ और ये मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है. आप देख सकते हो कितना नेचुरल ग्लो प्रोवाइड, हेल्दी ग्लो प्रोवाइड कर रहा है मेरे स्किन पे. और मैं सबका शेड नेम और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना. मैं इस हाइलाइटर को ही अपने आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ. आप कोई भी हाइलाइटर को एज शिमरी ग्लोई वाला आई शेडो यूज़ कर सकते हो. बहुत ही अच्छा नेचुरल वाला इफेक्ट देता है. इसको अप्लाई करने के बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ जिससे फ्लॉलेस दिखेगा. देन आई विल यूज़ लैक्मे का काजल. पहले मैं इसको वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी देन इसको बाहर की तरफ भी स्प्रेड करूँगी धीरे धीरे. काजल एप्लीकेशन के थ्रू अगर काजल थोड़ा सा इधर उधर हो जाए या फिर फैल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बाद में हमें इसको स्मज करना ही है. स्मज करने के लिए हमें लेना है ऐसा ब्रश और अपने काजल के ऊपर ऐसे ब्लेंड करना है उसको जिससे स्मोकी इफेक्ट आए. देन मैं अपने आईब्रो को जस्ट कॉम कर रही हूँ एक आईब्रो ब्रश से. बिफोर अप्लाइंग मस्कारा मैंने यूज़ किया है विका का आई लैश कर्लर एक फॉल्सिस वाला इफेक्ट देने के लिए. देन आई विल यूज़ दिस टू हेवन का मस्कारा. सच बताओ तो ये इतना बुरा है. मेरा ये फर्स्ट यूज़ था तो मुझे पता नहीं था. इस लिटरली मुझे लग रहा था मैं पानी यूज़ कर रही हूँ. चुपक रहा था मेरा आई लैश, कोई भी वॉल्यूम तो प्रोवाइड नहीं कर रहा था. जितना ही आप वॉल्यूम देख रहे हो सारा कलर की वजह से है. इससे अच्छा आप मेबेलिन वाला ट्राई कर लो, वो बजट फ्रेंडली भी है और बहुत ही अच्छा है. देन मैं कर रही हूँ मेरा लिप्स को लाइन. मैं थोड़ा सा ओवर लाइन करती हूँ मेरा लिप्स को. फॉर लिपस्टिक मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का लिप क्रीम और आई एम ऑब्सेस्ड. सच में बहुत ही लाइट वेट एंड क्रीमी वाला टेक्स्चर है जो मुझे बहुत ही पसंद है. मैं इसका और भी शेड बाय करना चाहती हूँ. पूरा मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर और उसको थोड़ा सा टैम कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से. एंड आई एम ऑल डन. मेरा पूरा लुक कंप्लीट हो चुका है. आप कमेंट में बताना कि मेरा लुक कैसा लगा आपको और आप ट्राई करोगे इस लुक को या फिर नहीं. वीडियो के थ्रू अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना. मिलूंगी दूसरे एक वीडियो के लिए. अभी के लिए टाटा.